चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली जानकारियां भी आपको मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेडिटॉप टीवी में। आज हम आपको बताएंगे ग्लूकोमीटर के द्वारा आप शुगर कैसे चेक कर सकते हैं। जो हम आपको मेथड बताएंगे उसके द्वारा आप अपने घर पर रहते हुए भी अपने पेशेंट की, अपनी अपनी फैमिली की या किसी की भी शुगर आसानी से चेक कर सकते हैं। शुगर चेक करने के लिए या तो 8 घंटे का खाली पेट, जो फास्टिंग होता है उसमें 8 घंटे का खाली पेट होना चाहिए, या रैंडमली यानी आप खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करें, या बहुत से पेशेंट डायबिटिक होते हैं जिनको डॉक्टर ने एडवाइज़ किया होता है कि 1 घंटे में या 2-2 घंटे में शुगर चेक करनी है, तो उसके लिए एक चार्ट बना लें और जैसे कि 1 या 2 घंटे में शुगर चेक कर रहे हैं तो उसमें रीडिंग लिखें। रीडिंग लिखने का ये फ़ायदा होगा कि उससे आपको पता लग जाएगा किस टाइम पे कितनी शुगर घट रही है, बढ़ रही है, और उसी के हिसाब से आप मेडिसिन और डाइट दोनों पर कंट्रोल कर सकते हैं या उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोमीटर द्वारा शुगर चेक करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक ग्लूकोमीटर की, लेंसिंग डिवाइस की, लेंसिंग डिवाइस में लगने वाले लेंसेट, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स। लेंसेट के अलावा आप 26 गेज की निडल भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेड, स्टेराइल कॉटन। ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स 2 टाइप्स की आती हैं। एक तो ऐसी होती हैं जो ब्लड को अपने आप सक कर लेती हैं और एक में ऊपर से ब्लड लगाना होता है। हमारे पास ये है, ये अपने आप ब्लड को सक करती है। ध्यान रहे, ग्लूकोमीटर में जब आप स्ट्रिप लगा रहे हों तो ये एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए, लाइक दिस। जो दूसरे तरीके की होती है उसमें ऊपर से ऐसे ब्लड लगाना होता है। ये हम आपको अभी चेक करके बताएंगे। अब हम बात करेंगे लेंसिंग डिवाइस की। ये लेंसिंग डिवाइस होती है जो फिंगर को पंच करके ग्लूकोमीटर के लिए ब्लड लेने के काम में आती है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले हमें इसमें लेंसेट को लगाना होता है। इसको ऐसे ओपन करना है, उसके बाद लेंसेट को इस तरीके से इसमें फिट कर देना है, उसके बाद इसके कवर को हटाना है, इसको बंद कर देना है। इसको आप 3, 4, 5, 1, 2, 3 कहीं भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम 3 या 4 पे रखते हैं। 5 पे इसलिए रखना होता है, किसी की स्किन मोटी होती है तो थोड़ा डीपली पिक करने के लिए इसको 5 तक भी ले जाना होता है। इसको पीछे की तरफ लोड करना है और फिर फिंगर को पंच करना है। पंच कैसे करते हैं, इस तरीके से लगाना है और ऊपर से दबा देना है, पंच हो जाएगा, पेनफुल भी नहीं है और ब्लड निकल जाएगा। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई लोग बार बार एक ही लेंसेट यानी जो उसकी निडिल होती है, ये जो निडिल है इसको बार बार यूज़ करते रहते हैं। कृपया ऐसा ना करें, इससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा होता है, सिंगल यूज़ करें इसको। अगर आपके पास लेंसिंग डिवाइस नहीं है या लेंसेट ख़त्म हो गए हैं तो आप 26 गेज की निडिल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी फाइन होती है, पेनफुल नहीं होती है। हर बार इसी को भी सिंगल यूज़ करना है, ये भी एक बार यूज़ करने के लिए है, इसको भी बार बार यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात, इनको यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड कर दें, ऐसे ही कहीं पे भी ना फेंक दें। ये किसी को भी लग सकती है, आपका इन्फेक्शन किसी दूसरे पर्सन को भी लग सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे शुगर चेक करते हैं। स्टेराइल कॉटन लें, उसके बाद उसको स्पिट से गीला कर लें। ध्यान रहे, कॉटन साफ होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेराइल होनी चाहिए, इन्फेक्टिव होगी तो इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाएगा। उसके बाद फिंगर को क्लीन करें स्प्रिट से, अच्छे से क्लीन करना है। फिर ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप को लोड करना है।
लोड करने का वही तरीका है, एरो का निशान ऊपर की तरफ रहेगा। अब ये ड्रॉप मांग रहा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं निडिल के द्वारा, निडिल ली, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, निडिल का फेस हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। पंच किया, ब्लेड निकला, उसके बाद हमने इसको लगा दिया। अब ये अपने आप सक कर लेगा, उसके बाद फिंगर को कॉटन लगा के दबा दिया। ये देखिए रीडिंग आ रही है 95 mg पर DL, एक्यूरेट रीडिंग देता है, और ये सबसे अच्छा तरीका है शुगर चेक करने का। और आप इसी तरीके से शुगर चेक करें, निडिल को ज़रूर डिस्कार्ड करें, कहीं भी ना फेंक दें, किसी बच्चे को, किसी को भी लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है।